हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल में हम आ चुके हैं बेग बागान का सबसे नंबर वन पार्क को जो माना जाता है मिंटू पार्क। बहुत ही शानदार एक साइड पे मोड़ भी पड़ता है कि बहुत बड़ा ही मिंटू पार्क है, बहुत ही प्यारा और बीच में तालाब बना है और चारों तरफ से घूमने का जगह, जॉगिंग करने का बहुत ही प्यारा है ये ब्लॉग। तो हमारे प्लीज़ सपोर्ट करें, हमारे चैनल को देख सकते हैं। ये मिंटू पार्क बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर है, हरियाली बहुत ज़्यादा है, बच्चों लोग के खेलने बहुत चीज़ बना हुआ है इस पार्क में। तो इस पार्क का नाम है मिंटू पार्क इन कोलकाता। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, आपको दिखाते हैं बैकग्राउंड में। हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये बीच में तालाब है और इस बहुत ही प्यारा तालाब है, ये बनाया गया है। ये मिंटू पार्क के अंदर का सीन है, बहुत ही नज़ारा प्यारा सीन है। तो फिलहाल में हम इस पट्टी रोड बनाया गया है जॉगिंग करने के लिए और पूरा घूम के देखने का, बहुत ही प्यारा शानदार है। और ये नज़ारा आपको अभी के टाइम में शायद बारिश हुई और भी प्यारा लगा देखने मौसम का नज़ारा। तो फिलहाल में कहीं से भी गलती को माफ़ करें, हमें हमारे ब्लॉग को सपोर्ट करें और देख सकते हैं कितना। और फिलहाल हम इस तालाब में बहुत बड़ा बड़ा मछली है और बहुत ज़्यादा मछली है इस तालाब में, देख सकते हैं मछली। तो फिलहाल मेरा दोस्त वहाँ पर घूम रहा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हरियाली हरियाली है, मिंटू पार्क का नज़ारा। तो मछली बहुत बड़ा बड़ा है, 10 केजी 15 केजी का मछली है। तो फिलहाल मैं नेक्स्ट टाइम में मॉर्निंग वॉक में से मछली दिखाएंगे आपको, फिश दिखाएंगे। तो फिलहाल इसमें भाई लोग साफ सुथरा कर रहे हैं। तो कितना ही प्यारा है ये मिंटू पार्क, बहुत ही अद्भुत शानदार है ये मिंटू पार्क। आप लोग एक बार आप लोग प्लीज एक बार जरूर घूमने आए। और यहाँ से देखिए किस तरह शानदार ये बिल्डिंग है, ये रिजर्व का बिल्डिंग बेगवाने पड़ता है और बहुत ही शानदार बिल्डिंग बनाया गया है पीएस ग्रुप के थ्रू। ये बत्तख घूम रहा है इस मिंटू पार्क के अंदर, देखिए कितना प्यारा प्यारा बत्तख है, देख सकते हैं। इतना प्यारा शानदार सीन है ये बत्तख का, प्यारा लग रहा है देखने में, इतना बत्तख है ये। तो आप लोग क्या बोलते हैं बताया हमें। और यहाँ पे ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा बत्तख है ये, देखते कितना प्यारा बत्तख है। बड़ा बड़ा बत्तख ये देखते इतना शानदार सीन है यहाँ पर, वो सीन देख के बहुत ही मज़ा आया हुआ। इतना प्यारा ये बत्तख है, देख सकते हैं बहुत शानदार है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको, बहुत बड़ा ये पार्क है। ये जो पार्क पड़ता है कोलकाता वेस्ट बंगाल में और जो क्षेत्र में ये पार्क पड़ता है बेग बागान और एक साइड के मोड़ में, तो आपको दिखा रहे हैं बहुत ही शानदार ये सीन है यहाँ का, देख सकते हैं। देख सकते हैं आपको चारों तरफ घुमा रहे हैं वीडियो को यहाँ। और एक खास बात क्या है, इसमें बहुत सारा खाली हरियाली हरियाली पेड़ उपा गई है हवा के लिए। ये कचरा का डब्बा है और यहाँ पर बनाया गया बैठने का सीट, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। इतना शानदार सीन देखने को लगा, बारिश होने से और भी प्यारा प्यारा सीन हो गया। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सीन है, आदमी सबको पकड़ के रख देता जिसका होगा। तो ये मेरा वीडियो बनी है, तुम चल लागे बना कहते रहिए। देख सकते हैं बहुत हरियाली हरियाली है यहाँ पे। ये मिंटू पार्क कोलकाता में पड़ता है, तो ये वेस्ट बंगाल और ये जो है पार्क के आप बेग बागान के हल्का आगे पड़ता है, जो साइड रोड में पड़ता है, बहुत ही प्यारा है। तो फिलहाल में अभी बारिश हुई है और भी देखने सही से नज़ारा लग रहा है और भी हरियाली है। और फिलहाल में आप देख सकते हैं बारिश के मौसम में कुछ और ही नज़ारा है, तो
आप लोग के लिए ब्लॉग शूट कर रहे हैं सैयद दिल साहब ऑफिसर, प्लीज सपोर्ट करें। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको, इतना राउंड घुमा रहे हैं आपको, कितना बड़ा पार्क है यहाँ पे, लोग आपको इन्जॉय करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बारिश है, तो यहाँ पर लोग आप दोनों इन्जॉय करें। और फिलहाल मैं यहाँ पर लोग आपको जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं इस पार्क में। इस पार्क की खासियत क्या है तो अभी आपको आगे दिखा रहे, चलो। यहाँ पर बनाया गया बैठने का, कितना ही प्यारा से बनाया गया है, क्या डिजाइन से बनाया गया बैठने का जगह, ताकि अगर बारिश हो तो कोई भीग न पाए। यहाँ पर लाइट लगाया गया, रात के वक्त में बहुत ही सुंदर सा नज़ारा देखने में मिलता है। और देख सकता, और फिलहाल में यहाँ पे और भी खासियत बात है कि बारिश होने के बाद और भी हरियाली हरियाली चीज़ें देखने, और भी देखने से मज़ा आता है। भाई आप लोग ज़रूर आए कोलकाता, आप इस एरिया ज़रूर घूमें, इस एरिया ज़रूर एक बार घूमें, कोलकाता इन पार्क मिंटू पार्क। तो यहाँ पर बोर्ड लगाए गए हैं, आप लोग राउंड घुमा रहे हैं मिंटू पार्क का। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे सपोर्ट करें। देख सकते हैं किस तरह बेहतरीन नज़ारा है, एक बार आप ज़रूर घूमें मिंटो पार्क प्लीज़। और इसमें है बनाया गया है घेर के चिड़िया, एक एक खरगोश है और चिड़िया रंग बिरंगा आपको मिलेगा देखने के लिए। एक तरफ से आप सुन सकते हैं कैदी, जेल कैदी, जेल के तरह बनाया गया चिड़िया को रखने के लिए, पालने के लिए। कितना प्यारा है, देख सकते हैं पक्षी, देख सकते खरगोश, इतना प्यारा प्यारा जानवर इसमें है। और भी ये बाहर निकलने का एंट्री है, कि वहाँ से निकलने का एंट्री है, देख सकते हैं। और देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पत्थर का पेड़ है, और यहाँ भी बत्तख है, देख सकते हैं बत्तख क्या बोल रहा है। शानदार सीन है देखने का, व्यू बहुत ही प्यारा है। यहाँ से पूरा सीन आपको नजर आएगा पानी का, ये प्यारा सीन है, हरियाली हरियाली देखने का आपको मिला बारिश की वजह से, बहुत ही प्यारा सीन है। भाई को थोड़ा सपोर्ट किया, भाई यूट्यूब में बहुत कोशिश कर रहे हैं आने के लिए, बन जाए मेरा भाई, थोड़ा कोशिश कीजिए, अच्छा यूट्यूबर बन जाए, मेरा भाई का भी कोई फॉलोवर होए, बस यही हमारा दुआ है। कौन? शकील भाई, शकील भाई है हमारे, ये हमारे बड़े भाई है शकील भाई, हम लोग के बड़े भाई हैं, बड़े भाई शकील भाई। आइए मेरा भाई दिलशाद यूट्यूब में बहुत कोशिश कर रहे हैं, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए ज़रूर, इंशाल्लाह मेरा दोस्त यूट्यूब में अपना साफ छाप छोड़ता है तो अच्छा रहता है ना। इधर एक मिनट, हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरा छोटा सा ब्लॉग, बहुत ही प्यारा ब्लॉग है ये, मिंटू पार्क का ब्लॉग है। तो आप लोग के लिए ब्लॉग शूट करने के बहुत ही मेहनत से किए हैं, कहा कि आज बहुत बारिश हो रही होती है, समय निकाल के ब्लॉग तो शूट किया गया है, कहीं से भी गलती बोल रहे हैं उसके लिए सॉरी। और हमारे वीडियो प्लीज़ सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।